Hello, friends. How are you? I hope you all are fine. And today we are discussing the topic educational management. Educational management. Educational management word has two combined words educational and management. एजुकेशनल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एजुकेशन एजुकेशन वर्ड जो है एजुकेशनल वर्ड एजुकेशन से बना है और एजुकेशन वर्ड जो है वो हमारे लैटिन वर्ड लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है एजुकेटम से बना है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के एजुकेटम वर्ड से और अगर हम हिंदी में बात करें तो शिक्षा कहा जाता है एजुकेशन को और शिक्षा की उत्पत्ति हुई शिक्षा धातु से शिक्षा की उत्पत्ति हुई शिक्षा धातु से जिसका अर्थ है जानना और एजुकेटम वर्ड का है शिक्षा की कला तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं एजुकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ इसका मीनिंग क्या है और शिक्षा धातु शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु शब्द से हुई तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर अब बात आती है हमारा सेकंड वर्ड मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मीनिंग होता है हिंदी में प्रबंधन प्रबंधन का मीनिंग है आपकी जितनी भी भौतिक संसाधन है और जितने भी मानवीय संसाधन है इनका इस तरीके से व्यवस्था करना कि उत्तम प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जा सके तो वो क्या कहलाता है प्रबंधन कहलाता है वो भी शैक्षिक प्रबंधन ठीक है अब हम बात करते हैं शिक्षा की शिक्षा का अर्थ क्या है इस टॉपिक को यही क्लियर कर देते हैं शिक्षा का अर्थ शिक्षा का अर्थ अगर हम बात करें एक डिक्शनरी है द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन इस डिक्शनरी में एजुकेशन का अर्थ बताया गया क्या क्या बताया गया शिक्षित करना प्रशिक्षित करना नेक्स्ट आता है चरित्र निर्माण उसके आगे आता है आपका मानसिक प्रक्रियाओं का विकास इस तरीके से शिक्षा के अर्थ को डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में किस किस रूप में बताया गया शिक्षित करना प्रशिक्षित करना चरित्र निर्माण मानसिक प्रक्रिया का विकास अब हम बात करते हैं किसकी हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ लिया अब हम बात करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के परिभाषा की या दायित्व की एजुकेशनल मैनेजमेंट हम इसे लिख रहे हैं दायित्व इसका दायित्व इतना है इसे आप सुन करके याद कर लीजिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए तो एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन का दायित्व है कि उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से प्रबंधन करना उपलब्ध संसाधन दो प्रकार के होंगे भौतिक व मानवीय भौतिक व मानवीय संसाधनों का इस प्रकार से व्यवस्था करना कि सो नागरिकों का निर्माण किया जा सके और राष्ट्र विकास में योगदान दिया जा सके यही क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट का दायित्व है अब हम बात करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की परिभाषाओं की तो यहां पर हमारे पास दो परिभाषाएं है जो हैं वो इंपॉर्टेंट आती हैं पहली परिभाषा आती है मूर की मूर कहता है प्रबंधन से आशय निर्णयन है प्रबंधन का आशय निर्णयन है बहुत ही छोटी सी परिभाषा है याद भी हो जाती है लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं होती तो एक वर्ड याद रखें निर्णयन निर्णयन को आप याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा कि प्रबंधन की एक परिभाषा जो थी मूड़ ने दी थी इसका अर्थ था प्रबंधन से आशय निर्णय टेलर टेलर कहता है टेलर की जो परिभाषा है बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई हो जाती है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स डले हुए हैं ये कहते हैं कि प्रबंधन से आशय प्रबंधन का अर्थ यह जानना है कि क्या करना है और इसका सर्वोत्तम तरीका क्या है और इसका सर्वोत्तम तरीका क्या है यही कौन बताता है टेलर बताता है टेलर ने जो ये परिभाषा दी ये क्या बताती है कि प्रबंधन का अर्थ यह जानना है कि क्या करना है और इसका सर्वोत्तम तरीका क्या है इस तरीके से अब आपको अगर मोर की परिभाषा या टेलर की परिभाषा आती है तो आप एक वर्ड तो मोर के लिए याद रखें निर्णय और टेलर की परिभाषा के लिए याद रखें क्या और क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड्स आपको जहां दिखे जाएंगे वो टेलर की परिभाषा की ठीक है अब हम बात करते हैं किसकी एजुकेशनल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ़ एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट का पहला प्रश्न यही आता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कितनी अवधारणाएं सर्वमान्य में प्रचलित है तो इसका आंसर है तीन इसका आंसर आता है तीन ठीक है जब हम तीन की बात करते हैं हम इन तीनों के नाम भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आता है देखिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट पे पहला कॉन्सेप्ट आता है उत्पादन कुशलता के आधार पर शैक्षिक प्रबंधन उत्पादन कुशलता के आधार पर जब शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अवधारणाओं में से एक आती है ये और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जिन्हें हम आगे देखेंगे लेकिन हम सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं सेकंड नंबर हमारी आती है मानवीय संबंधों से रिलेटेड अवधारणा मानवीय संबंधों के आधार पर शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा तीसरी आती है हमारी सामाजिक वातावरण से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा अब हमने बात की थी उत्पादन कुशलता की उत्पादन कुशलता जो अवधारणा है ये सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा है इसमें से बहुत सारे प्रश्न है जो कि कई बार आ चुके हैं तो हमें यहीं पर सॉल्व आउट भी कर लेंगे और जान भी लेंगे तो उत्पादन कुशल अ... सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि इस अवधारणा का समय क्या रहा 1910 से 1935 इसका समय प्रचलित समय अवधारणा का समय क्या रहा 1910 से 1935 और अगर हम बात करें मानवीय संबंधों की अवधारणा की तो इसका समय रहा 1935 से 1950 और तीसरा जो था 1950 से 1970 के बीच में हम सामाजिक वातावरण की अवधारणा का प्रचलन मानते हैं अब हम बात करते हैं उत्पादन कुशलता के आधार पर एजुकेशनल मैनेजमेंट अब देखिए ये जो अवधारणा है सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा है इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए इसका पहला ही प्रश्न यही आता है कि ऐसी इकलौती अवधारणा जो कि वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित थी कौन सी अवधारणा है वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित अवधारणा कौन सी है उत्पादन कुशलता की अवधारणा अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा क्या क्वेश्चन आता है हमारा ये क्वेश्चन आता है उत्पादन कुशलता की अवधारणा का उपनाम क्या है इसे हम किस नाम से जानते हैं या टेलरवाद किसे कहा जाता है टेलरवाद किस अवधारणा को कहा जाता है टेलरवाद कहा जाता है उत्पादन कुशलता की अवधारणा को ये तीन क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होते हैं हमारा पहला क्वेश्चन वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित अवधारणा कौन सी थी उत्पादन कुशलता की अवधारणा शैक्षिक प्रबंधन के लिए टेलरवाद किस अवधारणा का उपनाम है उत्पादन कुशलता की अवधारणा शैक्शन प्रबंधन के लिए साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये भी क्लियर कर लिया 1910 से 1935 इसका समय सीमा रहा एक और क्वेश्चन आता है इसके समर्थक कौन कौन से थे समर्थक अगर हम बात करें तो कौन कौन से रहे गुलेक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इस अवधारणा से जुड़ा हुआ और विक फेल ये सब इंपॉर्टेंट है अब देखिए हम बात करते हैं फेऑल की फेल जो थे इन्होंने एजुकेशनल मैनेजमेंट के इस अवधारणा के लिए चौदह सूत्रीय प्रबंधन सिद्धांत दिया चौदह सूत्रीय प्रबंधन सिद्धांत किया जो कि एक विस्तृत सिद्धांत था ठीक है विस्तृत सिद्धांत रहा अब बात आती है हमारे मार्ट लुथर गुलिक की लुथर गुलिक जो थे इन्होंने क्या किया था जो फेॉल का सिद्धांत था फेऑल के सिद्धांत के आधार पर नवीन सिद्धांत दिया नवीन सिद्धांत कौन सा दिया प्रशासन प्रबंधन सिद्धांत कब दिया 1937 में दिया तो हमारे तीन क्वेश्चन पर क्लियर होते हैं लूथर गुलिक का जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांतों पर आधारित है फिहोल के चौदह सूत्रीय प्रबंधन सिद्धांत पर आधारित है लूथर गुलिक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रशासन प्रबंधन सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा प्रशासन प्रबंधन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया 1937 ये हमारे तीन प्रश्न इस तरीके से कंप्लीट होते हैं अब हम बात करते हैं लूथर गुलिक के सिद्धांत की लूथर गुलिक का लूथर गुलिक का प्रशासन प्रबंधन सिद्धांत अब देखिए इसे हम पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हैं पोस्ट कॉर्ब बहुत ही सिंपल सा है 1935 1937 में ये आया था अब देखिए इसकी अवधारणा के अंदर पी इसका हम विस्तृत नाम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोस्ट कॉर्ब का विस्तृत नाम है पी ओ एस डी सी ओ आर बी पोस्ट गॉन पी से उतर प्लानिंग ओ से ऑर्गेनाइजिंग एस से स्टाफिंग डी से डायरेक्टिंग सी ओ से कॉपरेशन आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग लूथर गुलिक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसका नाम क्या था सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रशासन प्रबंधन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित था के चौदह सूत्रीय प्रबंधन सिद्धांत पर आधारित था कब दिया गया 1937 में दिया गया पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे लूथर गुलिक इसी तरीके से करके हमारे में बहुत सारे प्रश्न है जो कि इनसे जुड़े हुए आते हैं तो इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी मानवीय है? संबंधों के आधार पर एजुकेशनल मैनेजमेंट मानवीय संबंधों के आधार पर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट का सिद्धांत था इसके प्रतिपादक कौन कौन रहे मैरी फॉलेट वेव इसका टाइम रहा 1935 से 1950 ये इतनी सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक वातावरण के आधार पर एजुकेशनल मैनेजमेंट इसके प्रतिपादक थे चेस्टर वे व हर्बर्ट साइमन इन्होंने सामाजिक वातावरण के आधार पर एजुकेशनल मैनेजमेंट को इसलिए समझाया क्योंकि सामाजिक प्राणी है मनुष्य उसे हमेशा समाज की स्थिति के अंदर परिस्थिति में और वातावरण में रह करके क्रियाएँ करके सीखना होता है अब जब सीखना वही है तो प्रबंधन भी उसी अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए इसीलिए इन्होंने त्रिकोणीय प्रणाली को बताया अब ये त्रिकोणीय प्रणाली क्या थी अब आप देख लीजिए त्रिकोणीय प्रणाली यह हम बहुत बार पहले भी जानते हैं लेकिन त्रिकोणीय प्रणाली में इन्होंने बताया शिक्षक विद्यार्थी और समाज समाज की संस्कृति तो इसे हम त्रिकोणीय प्रणाली सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसको दिया किसने था और हर्बर्ट साइमन ने दिया था अब हम बात करते हैं हमारे तीनों सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इसके बाद में हमारे पास आती है बात किसकी आधुनिक संकल्पना किसकी आधुनिक संकल्पना अब 1970 के बाद में ऐसा कहा गया कि जो परिस्थिति जन्य कारक हैं, उन्हें आधार मान करके हमें क्या करना चाहिए हमारे शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए परिस्थिति की दृष्टि से परिस्थिति पर जन्य कारकों से संबंधित प्रबंधन सिद्धांत ये हम पढ़ते हैं किसमें आधुनिक संकल्पना में मतलब 1970 के बाद यह सिद्धांत आता है के बाद हमारा जो सिद्धांत आता है वो क्या कहलाता है आधुनिक संकल्पना कहलाता है अब जो आधुनिक संकल्पना थी इसके आधार पर जो हमारा दिया गया सिद्धांत था वो था प्रणाली उपागम कौन सा अप्रोच आता है प्रणाली उपागम जिसे हम सिस्टम अप्रोच के नाम से जानते हैं सिस्टम अप्रोच अब हम सिस्टम अप्रोच को देख लेते हैं यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए सिस्टम अप्रोच सिस्टम अप्रोच जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है सिस्टम और अप्रोच यानी कि ये क्या हो गया प्रणाली और ये हो गया हमारा उपागम प्रणाली का अर्थ होता है क्रम और उपागम का अर्थ होता है लक्ष्य तक पहुंचने के साधन लक्ष्य तक पहुंचने के साधन उपागम कहलाते हैं अब देखिए प्रणाली उपागम जो है इसमें प्रणाली को लेकर के एक एस पी श्रेष्ठ की हम परिभाषा पढ़ते हैं क्या है वो परिभाषा और ये परिभाषा बहुत बार आ चुकी है उनका यही मानना था कि प्रणाली से आशय समग्रता से है प्रणाली से आशय समग्रता से समग्रता भी किस चीज की क्रियाओं की अंगों की घटकों की ये सब क्या है समग्रता को दर्शाते हैं किसी भी कार्य को करे जाने का जो क्रम है वही उसका समग्र रूप होगा और समग्रता को बताने का यानी कि एक की याद कर लीजिए प्रणाली की डेफिनेशन के लिए समग्रता और ये किसने दी थी कुलश्रेष्ठ ने दी थी अब हम बात करते हैं प्रणाली उपागम के प्रणाली उपागम के हम भाग की बात करते हैं प्रणाली उपागम के तीन भाग बताए गए हैं उद्देश्य क्रियान्वयन और आपका आता है पाठ्य वस्तु उद्देश्य क्या करना है क्यों करना है कैसे करना है क्रिया मतलब प्रेजेंटेशन अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है शिक्षक के द्वारा कक्षा में अपनी विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन प्रणाली उपागम के किस भाग से संबंधित है क्रियात्मक भाग से संबंधित है और पाठ्य वस्तु जिसके आधार पर आप क्या करते हैं अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं तो यही है लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रणाली उपागम का या लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए जिसे आधार माना गया है वो क्या है आपकी पाठ्य वस्तु अब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच के विशेषताएं ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रणाली उपागम की नहीं है विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं पहली विशेषता आती है एक बाल केंद्रित प्रक्रिया है हमें पता है हमारी शिक्षण पद्धति का आधार ही क्या है बाल केंद्रित शिक्षा दूसरी बात आती है हमारी ये समग्रता को दर्शाता है सही बात है हमने जब एस पी श्रेष्ठ की परिभाषा पढ़ी थी उसका आधार ही क्या था समग्रता था तीसरा क्या था हमारी जितनी भी शैक्षिक समस्याएं हैं शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक आधार देता है ये तो ये विशेषताएं ऐसे याद नहीं होती है लेकिन इन्हें जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा कथन प्रणाली उपागम के लिए सही नहीं है या गलत वाक्य का चयन कीजिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा वैज्ञानिक हल प्रदान करता है दूसरा आता है हमारा सतत विकासशील प्रक्रिया है देखिए हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं वो हमेशा क्या करती है बढ़ती रहती है और सिस्टम अप्रोच जो है अपने आप में क्या है एक टेक्नोलॉजी है इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है तकनीकी प्रक्रियाओं का शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर उपयोग में लेना ही शैक्षिक तकनीकी और सिस्टम अप्रोच जो है वो एक अपने आप में क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का भाग है अब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच के चरणों की कौन कौन से चरण से होकर के प्रक्रिया गुजरती है चरण कौन कौन से हैं हमारे चरण पड़ेंगे हम स्टेप्स देखिए अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले किसी भी काम को करने का पहला स्टेप क्या होता है आप भी जानते हैं उद्देश्यों का निर्धारण जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उद्देश्यों का निर्धारण हम सबसे पहले करते हैं उद्देश्यों के निर्धारण के बाद में हम क्या करते हैं उनका परिभाषीकरण करते हैं ये एक तकनीकी कार्य है तो हमें बताना होता है कि हम हमारे काम को किस तरीके से करेंगे तो हमें उनका परिभाषीकरण करना होता है परिभाषीकरण करने के बाद में एक प्रक्रिया आती है सीमांकन हमें हमारा काम एक लिमिटेड टाइम में करना होता है इसीलिए उसका सीमांकन करना भी बहुत जरूरी है सीमांकन करने के बाद में क्या आता है हमारा उद्देश्यों का चुनाव जो सीमांकन के द्वारा चुने गए हैं उनका और साथ ही साथ हमारे उद्देश्य पूर्ति के उपागम भी चुनने होते हैं उपागम का चुनाव भाई किसके द्वारा क्या पढ़ाना है ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसका यही एक तरीका है कि इसके अंदर आपको दे दिया जाएगा उपरोक्त में से कौन सा चरण सिस्टम अप्रोच से संबंधित नहीं है तो इतने सारे ये आपके कितने चरण आते हैं सात चरण आते हैं इन सातों चरणों को आपको याद रखना होता है और अगर इस प्रकार का को कोई प्रश्न आता है तो आप उसे सही करेंगे अगर आपने ये चरण याद कर लिए तो अब हमने हमारे उपागम का चुनाव भी कर लिया उसके बाद में हम क्या करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया लेकर के आते हैं भाई हमने जो काम किया मूल्यांकन से पहले हम एक और कार्य करते हैं क्रियान्वयन का क्रियान्वयन के बाद में आता है हमारा मूल्यांकन और मूल्यांकन के बाद में आता है परिमार्जन भाई हमने कोई गलती की तो हमारे को मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाएगा और परिमार्जन के बाद में क्या आता है प्रतिवेदन क्योंकि जब हमने बात करी थी पोस्ट गॉर्ब की उसका जो सेकंड लास्ट चरण था वो क्या था रिपोर्टिंग और वित्तीय व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था जब हो जाती है तो आपका ये जो स्टेप्स हैं कितने स्टेप्स हुए देखिए उद्देश्यों का निर्धारण हमारा पहला पारिभाषिकरण दूसरा सीमांकन तीसरा उद्देश्यों का चुनाव या उपागम का चुनाव चौथा फिर आता है हमारा क्रियान्वयन पांचवा मूल्यांकन छठा परिमार्जन सातवा आठवा और नौवा इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने चरण आते हैं नौ टोटल चरण होते हैं नौ अब इन नौ में से कोई भी एक चरण घटा दिया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा तो ये या आपको याद रखने हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको सीरीज में से भी दिया जा सकता है पूछा जा सकता है कि उपरोक्त रिक्त स्थान पे कौन सा चरण आ, सिस्टम अप्रोच का आता है अब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की प्रक्रिया का सिस्टम अप्रोच प्रोसेस अब देखिए प्रोसेस के अंदर इतनी सी बात है ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल है टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है तो इसके अंदर जो आपके प्रोसेस होगी वो भी कौन सी होगी टेक्नोलॉजी वाली होगी अब देखिए कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है इनपुट इनपुट से क्या आता है आउटपुट और आउटपुट आने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रोसेस और इन सब को एक चीज़ इफेक्ट करती है एनवायरमेंट यही क्या है हमारा प्रोसेस ऑफ सिस्टम अप्रोच है सबसे पहले इनपुट दिया जाएगा इनपुट से आउटपुट आने तक की प्रक्रिया प्रोसेस कहलाएगी और आउटपुट जो कि आपके काम करने के बाद में आपके रिजल्ट मिला है वो और एनवायरमेंट जिससे आपकी ये सारी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तो इनपुट को कहते हैं अदा प्रोसेस को प्रक्रिया आउटपुट प्रदा एनवायरमेंट वातावरण इस तरीके से आपके ये जो चारों आ, कारक हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं देखिए है, ये एक प्रश्न एक बार पहले आ चुका है कि प्रणाली उपागम के प्रमुख निर्धारक तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है तो इन चारों के अलावा आपको एक अन्य नाम दे दिया जाएगा तो ये भी आप याद रखें कि कंप्यूटर प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या होती है सिस्टम अप्रोच की प्रोसेस होती है अब बात आती है हमारे किसकी सिस्टम अप्रोच के कार्य की यानी कि हमारा जो शैक्षिक प्रबंधन है वो क्या काम करता है देखिए क्या काम करता है देखिए हमने बात कर ली किस किस की शैक्षिक प्रबंधन क्या है शैक्षिक प्रबंधन के उपागम कौन कौन से कौन कौन से उपागम थे हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने पढ़ा था मान लूथर गुलिक का या फिर आप जिसे आप क्या कह सकते हैं उत्पादन कुशलता का आधार पर सिद्धांत फिर आता है हमारा मानवीय संबंधों के आधार पर सिद्धांत फिर आता है हमारा आ, तिक या सामाजिक कार्यों के आधार पर सिद्धांत फिर आता है हमारा आधुनिक संकल्पना आधुनिक संकल्पना क्या कहलाती है सिस्टम अप्रोच कहलाती है तो आपको ये याद होने चाहिए इनका हमने डिटेलिंग में बात करी लिया अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के कार्य इसके दो कार्य आपको बताए गए हैं मुख्य कार्य और प्रबंधन कार्य या अन्य कार्य मुख्य कार्य के अंदर आप इतनी सी बात याद रखेंड कॉर्ब बस यही है मुख्य कार्य शैक्षिक प्रबंधन का अन्य कार्य के अंदर आता है हमारा कम्युनिकेशन हमारा डायरेक्शन फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन या इनोवेशन फिर आता है हमारा रिपोर्टिंग तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कम्युनिकेशन क्योंकि उसकी पद्धति के अंदर है ये ठीक है कम्युनिकेशन डायरेक्शन इनोवेशन और ये आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो इस तरीके से हमारे काम कितने हुए दो तो हुए मुख्य कार्य और आपके अन्य कार्य अब हम बात करते हैं किसकी शैक्षिक प्रबंधन की अब देखिए हमने बात करी हुई हम बहुत बार पहले भी जानते हैं और ये पढ़े भी चुके हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है क्वेश्चन भी आता है शैक्षिक प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की है शैक्षिक प्रक्रिया कैसी होती है त्रिमुखी प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है त्रिमुखी द्विमुखी त्रिमुखी यह हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम त्रिमुखी प्रक्रिया की हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है शिक्षक आता है विद्यार्थी आता है और आपकी पाठ्यचर्या आती है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं और ये क्रियाएं किसके द्वारा प्रभावित होती हैं पाठ्यचर्या पाठ्य वस्तु जिसे हम करिकुलम या सिलेबस कहते हैं वो सब दोनों को अंतर संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं तो जिस प्रकार से आपकी शैक्षिक प्रक्रिया त्रिमुखी है तो आपकी प्रबंधन प्रक्रिया भी कैसी होगी प्रबंधन प्रक्रिया भी किस प्रकार की होगी हमारी त्रिमुखी ही होगी हमें तीनों बिंदुओं के लिए काम करना होता है शिक्षार्थी के लिए भी शिक्षक के लिए भी और पाठ्यचर्या के लिए भी तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे प्रबंधन प्रक्रिया शिक्षक के लिए किस प्रकार की गई है शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार की गई है और पाठ्यचर्या के लिए किस प्रकार की गई है तो अब हम अगर बात करें शैक्षिक प्रक्रिया के आधारभूत तत्व कितने हैं तीन ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है शैक्षिक प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है त्रिमुखी प्रक्रिया है त्रिमुखी प्रक्रिया के आधार बिंदु कौन कौन है शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यचर्या ठीक है अब हम बात करते हैं प्रबंधन प्रक्रिया की प्रबंधन प्रक्रिया के अंदर अगर हम बात करें कि शिक्षकों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था इसमें टीचर एजुकेशन को आप पढ़ेंगे विद्यार्थी शिक्षा यह आपका सेकंड आयाम हो गया जो कि आपका शिक्षा का क्या है केंद्र बिंदु है विद्यार्थी की शिक्षा व्यवस्था और आपका आता है पाठ्यचर्या का निर्माण अब ये तीनों ही आपके क्या है शैक्षिक प्रबंधन का एक हिस्सा है शैक्षिक प्रबंधन का हिस्सा कौन कौन है आपके शिक्षक शिक्षा विद्यार्थी शिक्षा और पाठ्यचर्या का निर्माण अब देखिए हम बात करते हैं जो शैक्षिक प्रबंधन है वो दो प्रकार से किया जाता है शैक्षिक प्रबंधन कितने प्रकार से किया जाता है दो प्रकार से ये क्वेश्चन भी आता है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन और राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रबंधन अब हम बात करते हैं इन तीनों की दोनों की राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन अब देखिए हमने एक बात करी थी क्या आजादी तक या आजादी के बाद तक बहुत समय तक जो शिक्षा था वो किसका विषय रहा राष्ट्रीय कार्य का यानी कि राष्ट्रीय जो कार्य सूची है हम तीन सूची पढ़ते हैं संघ सूची समवर्ती सूची और राज्य सूची तो ये किस सूची के अंतर्गत आता था संघ सूची के अंतर्गत आता था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से शैक्षिक प्रबंधन को संघ सूची से निकाल करके राज्य सूची के अंदर समवर्ती सूची के अंदर कब सम्मिलित किया गया सम्वर्ती सूची में शिक्षा को कब सम्मिलित किया गया था उन्नीस में यह आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आता है कि संघ सूची से शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया नोट कर लीजिए 1976 1976 इज द डेट व्हेन वी एलबरेट या इनकॉर्पोरेट द एजुकेशन एज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट लिस्ट देन हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय है स्तर पर अभी हमने सबसे पहले बात करी तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है शिक्षा प्रबंधन को पढ़ते हैं हम आज हम वैसे बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में हम केवल और केवल इनके नाम पढ़ेंगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शिक्षा प्रबंधन की तो सबसे पहले अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आप जानते होंगे आधुनिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट लॉर्ड मैकौले को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा के जनक आधुनिक शिक्षा के जनक कौन थे लॉर्ड मैकौले ठीक है इन्होंने भारत में शिक्षा की एक आधारशिला रखी और उसी के बाद से बहुत सारे ऐसे समितियाँ या ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जो कि शिक्षा के क्षेत्र को इस समय तक लेकर के आए तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्टर एक्ट की चार्टर एक्ट कब आया 1813 में चल ब्रीफ में बताएंगे आज शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं ब्रीफ के अंदर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 में आधुनिक शिक्षा के जनक लॉर्ड माइकॉले अब हम बात करते हैं वुड डिस्पैच हम इनके नाम पढ़ेंगे और इनके ईयर पढ़ेंगे ओनली आज वो डिस्पैच आया अठारह में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है सीधे सीधे से जब बहुत डीप में नहीं जाना चाहता एग्जामिनर मिनर तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है वुड डिस्पैच कब आया अठारह में अब हम बात करते हैं केंद्र अधीन संस्थाएं कब तक थी केंद्र अधीन शिक्षण संस्थाओं का विकास जिसके अंदर आपका पाठ्यक्रम बनाना हो चाहे शिक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करना हो चाहे विद्यालय की स्थापना हो विश्वविद्यालय की स्थापना हो ये 1921 तक किसके अधीन थी मात्र केंद्र के अधीन थी अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक शिक्षा नाम बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा इसे हम वर्धा शिक्षा भी कहते हैं कौन सी शिक्षा कहते हैं वर्धा शिक्षा भी ये तीनों नाम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप इन्हें देख ले बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा और वर्धा शिक्षा कॉन्सेप्ट किसने दिया प्रतिपादक कौन थे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन थे महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा की अवधारणा दी बेसिक शिक्षा की अवधारणा दी इन्होंने बेसिक शिक्षा की अवधारणा दी या फिर आप इसे वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहते हैं तो इसकी अवधारणा महात्मा गांधी जी ने कब दी ये भी याद रखने की बात है 1937 अगर आपको याद हो 1937 में एक और काम हुआ था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या काम हुआ था याद आया नहीं लूथर गुलिक का प्रशासन प्रबंधन सिद्धांत 1937 में ही आया था क्या था पोस्ट कॉर्ब तो आप इसे याद रखें दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेंगे तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा कि वर्धा शिक्षा कब आई उन्नीस में या बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का अवधारणा महात्मा गांधी ने कब दी उन्नीस में उसी प्रकार आप इसे इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं महात्मा गांधी और लोथर गुलिक के द्वारा तो संकल्पनाएं दी गई कब दी गई उन्नीस में तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा अब बात आती है महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की क्या डेफिनेशन दी महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की डेफिनेशन दी शिक्षा से मेरा आशय बालक के सर्वोत्तम विकास शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास से है बाल, शिक्षा से मेरा आशय बालक के सर्वोत्तम मानसिक शारीरिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास से है मात्र साक्षर होना शिक्षा नहीं है वो अपने आप को एस्टाब्लिश कर सके यही शिक्षा थी और बुनियादी शिक्षा यही कहती है आप उसे शिक्षा के अंदर थोड़ा बहुत व्यवसाय का ज्ञान भी दे ठीक है लेकिन अब महात्मा गांधी ये तो हम सब बहुत पहले पढ़ चुके हैं एक नॉर्मल सी बात है महात्मा गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा सभी को याद हो जाती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा गांधी के शिक्षा से संबंधित विचार कब वैक् प्रकाशित हुए ये बहुत कम लोग जानते हैं और बताते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसे आप इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए कि शिक्षा से संबंधित महात्मा गांधी जी के विचार कब वे कहाँ प्रकाशित हुए हरिजन नामक एक प्रक... पत्रिका थी महात्मा गांधी जी की हरिजन नामक पत्रिका उसमें प्रकाशित हुए इकतीस जुलाई 1937 को और वर्धा में एक सम्मेलन हुआ उसे भी वर्धा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है उन्नीस में ये भी 1937 में हुआ बहुत सारे प्रश्न हैं आप देख रहे होंगे कि बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे महात्मा गांधी कब आई 1937 में 1937 में एक और काम हुआ था लूथर गुलिक ने अपना प्रशासन प्रबंधन सिद्धांत दिया था फिर बात आती है महात्मा गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा बालक के शिक्षा से मेरा आशय बालक के सर्वांगीण सर्वोत्तम शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास से है साक्षरता मात्र शिक्षा नहीं है उन्होंने व्यवसायिक ज्ञान को भी बुनियादी शिक्षा में जोड़ा साथ ही साथ उनके शिक्षा संबंधी विचार कब कह और कहाँ प्रकाशित हुए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि हरिजन नामक एक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित करवाई जाती थी और कब प्रकाशित हुए इकतीस जुलाई उन्नीस को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें अब हमारी बात आती है किसके लिए कुछ शैक्षिक प्रबंधन की आई शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित समितियां केवल हम इनका आज नाम पढ़ेंगे इनके बारे में अलबरेशन इनका विस्तृत ज्ञान हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित समितियाँ क्योंकि समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना होता है संबंधित समितियाँ कौन सी हैं अब देखो सबसे पहले कौन सा आया विश्वविद्यालय आयोग बहुत बार पढ़ चुके हो विश्वविद्यालय आयोग कब आया था विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था ये क्वेश्चन भी आता है कौन सा था राधा कृष्णन आयोग राधाकृष्णन आयोग कब आया ये छोटा सा प्रश्न है बहुत बार आता है 1948 से उन्नीस तक ये आया और इन्होंने अपनी अवधारणाएँ दी उन्होंने अपनी राय दी मत प्रस्तुत किए विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए उन्होंने टेन प्लस टू प्लस थ्री शिक्षा की अवधारणा दी और आगे की विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सेकेंड हमारी समिति थी माध्यमिक शिक्षा आयोग देखिए हमारे भारत में सबसे पहले हमने ध्यान दिया विश्वविद्यालय शिक्षा पे उसके बाद में हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग इसे हम कौन सा आयोग के नाम से जानते हैं इसे हम जानते हैं मुदालियर आयोग के नाम से किस नाम से जानते हैं मुदालियर आयोग मुदालियर आयोग कब आया उन्नीस में आया और उन्नीस तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुतियाँ दी इन्होंने माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए क्या उसका पैटर्न होना चाहिए सब उन्होंने बताया तीसरी समिति हमारे आती है शिक्षा आयोग सबसे इम्पोर्टेंट है कोठारी आयोग के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं कोठारी आयोग कब आया बताइए बताइए कोठारी आयोग 1964 से छियासठ तक रहा और इनकी संस्तुतियाँ जो थी बहुत इम्पोर्टेंट रही ठीक है अब देखिए एक बार हम पहले फिर रिवीजन कर रहे थे शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित पहली समिति कौन सी बनी भारत में स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं हम विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की इसे हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं और ये आई उन्नीस से उन्नीस तक बहुत बार सीधा सीधा सा प्रश्न उठ करके आ जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग समिति का अन्य नाम क्या था राधा आयोग इसने कौन सी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है याद रखें मुदालियर आयोग किस समिति को का अन्य नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है इनके अध्यक्ष कौन थे ये सब हम आगे बात करेंगे शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है उन्नीस से उन्नीस तक इन्होंने काम किया और अपना कार्य का जो संस्कृतियां थी वो प्रस्तुत किया हम चौथा बात करते हैं दस वर्षीय है। शिक्षा की पाठ्यचर्या मतलब टेंथ क्लास का क्या सिलेबस होना चाहिए क्या करिकुलम होना चाहिए उसके लिए एक रूपरेखा कब बन गई थी पहली बार उन्नीस में कब बन गई थी उन्नीस में कब बनी उन्नीस सौ पिछहत्तर में रूपरेखा थी ओनली फ्रेमवर्क जो हम टू थाउजेंड में पढ़ते हैं ना उसी तरीके से एक पहले बन चुकी थी उन्नीस में केवल टेंथ क्लास तक की तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दस वर्षीय शिक्षा पाठ्यचर्या का प्रथम रूपरेखा कब बनी उन्नीस में अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी पहली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सीधा सीधा सा प्रश्न बहुत बार आता है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई उन्नीस में आई कब आई उन्नीस में आई और बहुत सारी इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट समिति की जो कि कौन सी थी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन रिलेटेड फ्रेमवर्क कब आया उन्नीस में आया जो कि किस पे आधारित था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो संस्तुतियां थी उन पर आधारित नया फ्रेमवर्क था सेवंथ की अगर हम बात करें आपके पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था ये भी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी, थी उन्नीस उसकी ऊपर आधारित था इसके अंदर क्या किया गया शिक, शिक्षार्थ यथार्थ जो आपके विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से गाइड किया जाना चाहिए किस तरीके से टीचर को एक्शन लेना चाहिए इसको अलबरेट किया गया अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लर्निंग, बर्न, लर्निंग बर्डन लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी संस्तुति थी यशपाल समिति यशपाल जो समिति थी यशपाल समिति यशपाल समिति ने ये संस्तुति दी थी उन्नीस में, में इसे लागू किया गया बोझ बिना शिक्षा ये किसका भी आप आधार मानते हैं राइट टू एजुकेशन आर टी जो हम पढ़ते हैं ये उसका भी आधार था बोझ बिना शिक्षा अब हम बात करते हैं विद्यालय शिक्षा के लिए नवीन रूपरेखा विद्यालय शिक्षा की रूप पाठ्यचर्या की रूपरेखा रूपरेखा तो आ गई थी 2000 में लेकिन इसका परिचय दिया गया 2005 में जिसे हम एन सी एफ टू के नाम से पढ़ते हैं और ये बहुत ही एक अपने आप में बेस्ट टॉपिक है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं लेकिन हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे हम इसके अलावा बहुत सारी समितियों के भी पढ़ते हैं जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि महिला शिक्षा को समर्पित यह क्वेश्चन आ चुका है महिला शिक्षा को समर्पित शिक्षण समिति कौन सी थी कौन सी थी कब आई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इसका यही आंसर है दुर्गाबाई देशमुख समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दुर्गाबाई देशमुख समिति किससे संबंधित थी महिला शिक्षा से संबंधित थी कब आई उन्नीस सौ में आई हमारे पास ठीक है फिर अगर हम बात करें कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित समिति कब आई ये थी श्री प्रकाश समिति ये आई उन्नीस में अब हम बात करते हैं ये बहुत बार हम सुन चुके डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ये किससे संबंधित थी ये संबंधित थी किससे राष्ट्रीय एकता की शिक्षा राष्ट्रीय एकता शिक्षा से संबंधित समिति कौन सी थी डॉक्टर संपूर्णानंद समिति कौन सी समिति थी डॉक्टर संपूर्णानंद समिति थी अब एक और आती है कि आपका जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किसके द्वारा किया गया शिक्षा के व्यवसायीकरण का कार्य किसके द्वारा किया गया एक समिति आई थी आदि शिक्षा समिति इन्होंने शिक्षा में व्यवसायीकरण के ऊपर बल दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे लेकिन जब आ जाते हैं तो बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम और यही थी 1977 से 1978 तक इन्होंने अपना काम किया और अपनी संस्कृतियाँ प्रस्तुत की व्यवसायीकरण के लिए शिक्षा के अंदर व्यवसायी को व्यवसाय को किस तरीके से एनहांस किया जाए इसके लिए ठीक है एक और बात आती है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हम बहुत बार इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मार्क कर लीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है ये तो हमें पता है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है लेकिन इसकी संस्कृति दी किसने थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी हमारी प्रथम याद कीजिए उन्नीस में आई थी और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमने देख ली सारी समितियाँ अब हम बात करते हैं किसकी एक बार इन सभी को हम दोबारा देख लेते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हुए हम आपको केवल एक बार ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है शैक्षिक प्रबंधन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है शैक्षिक और प्रबंधन शिक्षा शिक्षा धातु से बना है और मैनेजमेंट का अर्थ है भौतिक एवं सामाजिक भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का एकीकरण एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर हमने बात करी किसकी एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या काम करता है एजुकेशनल मैनेजमेंट काम करता है कि भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी के लिए सुनागरिक भी तैयार हो जाए और आपके राष्ट्र विकास का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए हमने बात करी थी मोर और टेलर की डेफिनेशन की मोर की डेफिनेशन थी प्रबंधन से आशय निर्णय निर्णय है और टेलर की जो डेफिनेशन थी ये कहती है कि क्या करना है और इसको करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है ये जानना ही प्रबंधन है हमने बात करे थे तीन हमारे कॉन्सेप्ट किसके एजुकेशनल मैनेजमेंट के पहला था उत्पादन कुशलता दूसरा था हमारा मानवीय संबंध और तीसरा था हमारे सामाजिक वातावरण का उत्पादन कुशलता के सिद्धांत को विचार वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित सिद्धांतों के नाम से जानते हैं टेलरवाद भी कहते हैं साथ ही साथ इसके अंदर जो समर्थक थे वो कौन कौन थे लूथर गुलिक और विक और टेलर साथ ही साथ फेोल हमने बात कही थी फेोल के चौदह सूत्रीय प्रबंधन प्रशासन सिद्धांत की जो कि आधार रहा किसका लूथर गुलिक के सिद्धांत का लूथर गुलिक ने सिद्धांत प्रतिपादित किया उन्नीस में उनके सिद्धांत का नाम था कॉर्न अब हम बात करते हैं मानवीय संबंधों का तो मानवीय संबंधों के लिए आती है हमारी मैरी फॉलेट और हमारे मेो इन्होंने दिया फिर हम बात करते हैं हमारे किसकी आ, हमारे सामाजिक वातावरण संबंधित उसके लिए आते हैं हमारे हर्बर्ट साइमन और चेस्टर ठीक है तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो त्रिकोणीय सिद्धांत पर आधारित था फिर बात आती है हमारे आधुनिक संकल्पना की आधुनिक संकल्पना सिस्टम अप्रोच थी प्रणाली उपागम प्रणाली प्लस उपागम प्रणाली का अर्थ है क्रमबद्ध व्यवस्था और उपागम का अर्थ है लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन इन्हें किस तरीके से आप काम में लेंगे यही आपको प्रणाली उपागम का अर्थ बताते हैं प्रणाली उपागम के तीन भाग थे उद्देश्य क्रिया और उनकी पाठ्य वस्तु फिर बात आती है हमारी इनकी विशेषताएं विशेषता विशेषताओं तो से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं प्रश्न क्या बनते हैं उपरोक्त तो विशेषता कौन सी सिस्टम अप्रोच की नहीं है या कौन सा कथन सिस्टम अप्रोच को लेकर के गलत है या सही है इन्हें मार्क कीजिए तो इन्हें आप देख लीजिएगा बहुत ही ध्यान से फिर हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच के चरण सिस्टम अप्रोच के चरण बहुत छोटे छोटे से थे पहला उद्देश्यों उद्देश्यों का निर्धारण करना फिर उनका पारिभाषिकरण करना उनका सीमांकन करना फिर आप उनका क्रियान्वयन करेंगे फिर क्रियान्वयन मूल्यांकन करेंगे मूल्यांकन करने के बाद जो गलतियां हैं उनका परिमार्जन करेंगे और फिर क्या करेंगे उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे सिस्टम अप्रोच जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच थी इसके तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे यानी कि इसकी जो कार्य करने की प्रक्रिया थी वो तीन आधारभूत तत्वों पर निर्भर करती है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस और इन तीनों को कौन इफेक्ट करता है हमारा एन्वायरमेंट हमने ये पढ़ लिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा फिर हमने बात करी कि शिक्षण जो प्रक्रिया है वो तीन त्रिमुखी प्रक्रिया है है ना त्रिमुखी प्रक्रिया में आता है शिक्षक विद्यार्थी और हमारी पाठ्यचर्या इन तीनों की व्यवस्था करने का कार्य कौन करता है शैक्षिक प्रबंधन करता है इसलिए शैक्षिक प्रबंधन भी एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई क्योंकि वो शिक्षक शिक्षा के लिए भी काम करेगा विद्यार्थी शिक्षा के लिए भी काम करेगा और पाठ्यचर्या निर्माण के लिए भी कार्य करेगा फिर हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के अंदर दो स्तर होते हैं राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर हर राज्य अपनी शिक्षा की व्यवस्था स्वयं कर सकता है और राज्यों को शिक्षा की व्यवस्था करने का या शिक्षा को संवर्ती सूची के अंदर किस दिन शामिल किया गया उन्नीस सौ छिहत्तर में याद रखें उसके बाद में आता है आधुनिक शिक्षा के हमारे जनक कौन थे लॉर्ड मैकॉले पहला एक्ट जो कि आया शिक्षा से संबंधित चार्टर एक्ट अठारह में अठारह में केंद्राधीन शिक्षण संस्थाएं कब तक रहीं उन्नीस सौ इक्कीस तक रहीं बेसिक शिक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे बेसिक शिक्षा कब प्रतिपादित की गई साथ ही साथ बेसिक शिक्षा के अन्य नाम क्या थे फिर हमने एक और बात की थी कि बेसिक शिक्षा से संबंधित महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रकाशन कब व कहाँ हुआ तो हमने बात करी थी हरिजन नामक पत्रिका थी जिसे इकतीस जुलाई उन्नीस को प्रकाशित किया गया वही उसका प्रकाशन हुआ इसको देखते हुए हमने बहुत सारी शैक्षणिक समितियाँ पढ़ी और इन्हीं शैक्षणिक समितियों को हम विस्तार रूप में हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर था बहुत ही पसंद आया होगा आप इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम विस्तृत रूप से आगे की ओर लेकर के जाएंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद